मेरा नाम नीतू यादव है, मैं CNS से हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अगर हम किशोर किशोरियों में बात करें तो हमें सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कहाँ से पता चलता है, उसका छोटा सा हिंट मिलता है जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं सैनिटरी पैड का। सब में जिज्ञासा आ जाती है कि हम जानें कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे और कब करेंगे। पूछने पे घर वालों से या फिर जिस भी बड़े से पूछते हैं, हमें जवाब मिलता है एक चुप्पी। इस चुप्पी को बहुत ज़रूरी है कि हम तोड़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं बताते तो बच्चों को पता नहीं चलता है। अगर हम शुरुआत से ही बच्चों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ, आगे चल के हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना है। लेकिन जब हम उन्हें कोई जवाब नहीं देते तो वो इधर उधर से जानने की कोशिश करते हैं, जिसका सबसे अच्छा तरीका आजकल बन गया है कि नेट से जान लें कि हर चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है हम नेट से देखेंगे, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। नेट में सुविधाएँ दी गई हैं, लेकिन ऐसी सुविधाएँ हैं कि जिनसे हमें गलत जानकारी मिल रही है। वो किसी भी टॉपिक पे हो, हमें लगभग गलत जानकारी मिल जा रही है जब हम सेक्स की बात करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। तो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, कि वो इस चुप्पी को तोड़ें और बच्चों को शुरुआत से ही तैयार करें।